हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आपको पता है कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी थी, तो जिसको फर्स्ट राउंड में ही उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, तो आप जल्दी से हॉस्टल के फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि फर्स्ट राउंड रिलीज़ होते ही आपके हॉस्टल्स के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये फॉर्म कहाँ पर मिलेंगे, कैसे सीट्स एलोकेशन होती है, कितनी सीट्स होती हैं हॉस्टल में, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बता रही हूँगी। एंड मैं मिरांडा हाउस हॉस्टल का पूरा प्रोसेस बता रही हूँगी कि आपको क्या करना है, तो बाकी कॉलेजेस का भी ऑलमोस्ट सेम होता है। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस, अराउंड 60-70 प्लस कॉलेजेस हैं, बट हॉस्टल की फैसिलिटीज़ सिर्फ कुछ लिमिटेड कॉलेजेस में हैं, कुछ 15-20 कॉलेजेस ही हैं जो हॉस्टल प्रोवाइड करता है, एंड उसमें से भी सीट्स बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रेंथ होगी कॉलेज की 2000-3000, तो जो कॉलेज में हॉस्टल की जो सीट्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ 150-200, मैक्सिमम 250 तक होंगी, इससे ज़्यादा किसी भी हॉस्टल में सीट्स नहीं हैं। तो प्लीज़ अपना बाकी भी जो जिनको हॉस्टल्स नहीं मिल रहा होगा या फिर अप्लाई भी किया है, तो भी आप एकोमोडेशन का देखते रहो, पीजी ढूंढो, रेंट पे रूम्स वगैरह देखो, और पीजी फ्लैट सब कुछ ही मिल जाएगा आपको इस एरिया में। मैं एरिया भी आपको बता दूंगी किस एरिया में आप अपना कॉलेज लिखना, अगर साउथ कैंपस का है तो वहाँ के अलग एरिया होंगे, नॉर्थ कैंपस के लिए मुखर्जी नगर, कमला नगर, आपका हडसन लेन, GTB नगर, ये सारे एरिया में आप पीजी ढूंढ सकते हो। अभी मैं हॉस्टल्स की बात करती हूँ, तो जिनको फर्स्ट राउंड में मिल चुका है कॉलेज, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस जिनकी होती है उन्हीं को हॉस्टल्स मिलते हैं। लेटर राउंड्स में आपको अब कॉलेज के लिए हॉस्टल्स के लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो मार्क्स देखते हैं, मेरिट पे आपको मिलता है हॉस्टल, एंड आपकी डिस्टेंस कितनी है। अगर आप NCR से हो, दिल्ली NCR से, दिल्ली के आसपास के रीजन से हो, तो आपको कोई भी हॉस्टल नहीं मिल रहा होगा, तो आप पीजी या फिर घर से अप डाउन करो या पीजी ढूंढो। बाकी जो दूर से हैं उनके हाई चांसेस, जैसे साउथ वाले हैं, केरला वाले हो गए, उन सबको बहुत हाई चांसेस है कि हॉस्टल मिलने की प्रॉबिलिटी है। उनकी CUET स्कोर्स, 12th के मार्क्स पहले होते थे, अब आई डोंट थिंक सो कि 12th के मार्क्स देखेंगे, वो CUET का स्कोर देख रहे होंगे, एंड फर्स्ट प्रेफरेंस वालों को ही मिल रहा होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स मिल गया, तो आप उस कॉलेज की साइट पे जाओ, वहाँ पे हॉस्टल्स का एक सेक्शन होगा, अब वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। एप्लीकेशंस आउट हो चुके हैं हॉस्टल्स के, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद ही वो आउट हो जाते हैं। मिरांडा हाउस का एप्लीकेशन आउट हो गया है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रही होंगी इस वीडियो में, कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस है, सब कुछ डिटेल में, तो स्टार्ट करते हैं। सो हॉस्टल्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जिस भी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया है फर्स्ट राउंड में, उसके साइट पे आपको जाके हॉस्टल सर्च करना है, ठीक है। तो मैंने मिरांडा हाउस कॉलेज हॉस्टल सर्च किया, आपको यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, आपको हॉस्टल के सेक्शन में जाना है, यहाँ पे सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज में आपने उसको सारी डिटेल्स देखनी है, क्या है कैसे है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, वो ऑनलाइन हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पर जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स पूछनी है, नेम डालना है, कोर्स डालना है, CUET रोल नंबर क्या था, आपके सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइज स्कोर कितने थे, कैटेगरी डालनी है, अपनी बेसिक डिटेल्स, नेम, फादर्स नेम, सब कुछ, परमानेंट एड्रेस डाल के अपने पास, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो जाएगी, स्कोर कार्ड, 12th का मार्कशीट, अगर कोई भी कैटेगरी है आपके पास तो उसके सर्टिफिकेट्स ज़रूर लगाना, जैसे आपको, क्योंकि हॉस्टल्स में भी सीट्स डिवाइडेड होती हैं कि OBC के लिए एक सीट्स रिजर्व होंगी, SC ST के लिए एक सीट्स होंगी, जनरल के लिए होंगी, तो ऐसे करके आपको अगर कैटेगरी है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो इसमें ज़रूर आप लगाना। प्लस अब आप हॉस्टल के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पे फी रिसिप्ट अपलोड करनी है, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फर्स्ट राउंड का, उसके बाद आपकी फ़ी का ऑप्शन आएगा, फ़ी पेमेंट का, आपने कॉलेज की फ़ी पे कर दी, आपका हो गया, वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, तो वो रिसिप्ट को आपको यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगाना है उसका, ठीक है। तो जो भी आपका फ़ी रिसिप्ट मिल जाएगी उस कॉलेज के फी सबमिट करने के बाद हॉस्टल में अप्लाई करना है आपको, ठीक है, तो वहाँ से आप ये कर लोगे। फिर रेजिडेंस प्रूफ, आप कहाँ से हो, क्योंकि दिल्ली NCR के लिए ये नहीं है हॉस्टल, इसीलिए आपको अपना डोमिसाइल लगाना है। अगर आप दिल्ली NCR के हो तो मत अप्लाई करना, क्योंकि इसमें साफ मेंशन है कि आपको वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं मिल रहा होगा, तो आप जहाँ से हो बेसिकली निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो वो आपको लगाना है एंड रजिस्टर कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको वेट करना है, ठीक है, वेट करना है आपकी एडमिशन लिस्ट आउट होने तक, ठीक है। तो एडमिशन लिस्ट जल्दी आ जाएगी, यहां से आप सर्च करोगे एडमिशन लिस्ट के लिए फर्स्ट ईयर्स, ठीक है। अगर आपका नेम आया होगा तो यहां पे अभी तो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो प्रोसेस चल ही रहा है, तो जैसे ही ये सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा, यहां पे आपके लिस्ट आउट होगी। जैसे ही लिस्ट आउट होती है, अगर आपका नेम उसमें होगा तो आपको बाकी प्रोसीजर करना है, एडमिशन के जो प्रोसीजर्स हैं, आपको वहाँ की फ़ी सबमिट करनी है, अब फी और आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए होंगी, तो ये सब पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, फी रिसिट अपने कॉलेज की, 12th के मार्कशीट, एंड आपका जो डोमिसाइल है बेसिकली आपका निवास प्रमाण पत्र, वो आपको रेडी रखना है। अब आपकी एलिजिबिलिटी वही हो जाएगी, फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज लिया हो और आप दिल्ली NCR के नहीं होने चाहिए, ये सारी सब कुछ है, तो ये सब आप पढ़ लेना, साइट पे आपको सब मिल जाएगी।
देन जैसे ही आपका सेलेक्ट हो जाता है आपका नेम आ जाएगा कुछ दिन बाद अगर लिस्ट में, तो आपको वहाँ पे जाके ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी है। अब फ़ी कितनी है, फ़ी आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, पोर्टल पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपकी हो जाएगी हॉस्टल फ़ी। हॉस्टल फ़ी आपको कैसे सबमिट करनी है सब कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जस्ट आपका जैसे ही फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है उसके बाद ही आपको 32,000 समथिंग रुपीज़ जितने भी हैं 192,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा जैसे ही आपके लिस्ट में नेम आता है। तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, मतलब कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपकी हो गई, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 32,000 आपको देना है। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा तो मतलब जनवरी में आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट की फ़ीस पे करनी होगी 26,750। तो मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, तो टोटल आप अगर एक साल की फ़ीस देखो तो लगभग आपकी 50,000 to 60,000 पड़ जाएगी एक साल की फ़ीस। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है क्योंकि पीजी में पता है आपका एक मंथ का खर्च लगभग आपको 10,000 जाएगा पीजी में, प्लस बाकी के देख लो तो मतलब डिपेंड करता है, यहाँ पे तो 15,000 to 20,000 तक भी पीजीज मिलते हैं। तो ये आपकी 6 महीने की फ़ीस सिर्फ 30,000 जाएगी, और अगर आप पीजी से कंपेयर करते हो तो सिर्फ एक महीने में ही आपका 15,000 जा रहा है। तो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है ये आपका हॉस्टल। तो प्लीज़ अप्लाई करो, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास वही रहेगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैसिलिटीज़ क्या क्या, सीट एलोकेशन की बात कर लेती हूँ मैं। तो आप देखो यहाँ पे कोर्स वाइज आपको सीट दिया है, मैं आपको साइंस के कोर्सेज की बात करती हूँ बेसिकली। यहाँ पे बीएससी लाइफ साइंसेज पे देख सकते हो कि कॉलेज में जो सीट्स हैं वो 44 स्टूडेंट्स की हैं, मतलब बीएससी लाइफ साइंस में 44 की सीट्स हैं कॉलेज में। बट हॉस्टल में जो स्टूडेंट जा रहे होंगे सिर्फ दो ही बच्चों को, उसमें से 44 में से सिर्फ दो को ही मिल रहा होगा हॉस्टल। तो देख रहे हो आप बहुत ही कम सीट्स होती हैं हॉस्टल में, आपको हर कोर्स वाइज देख रहे हो। बॉटनी में भी सिर्फ दो ही सीट्स हैं हॉस्टल के लिए, केमिस्ट्री में 4 हैं, मैथमेटिक्स में 4 हैं, जूलॉजी ऑनर्स में भी 2 ही हैं। तो ऐसे करके सिर्फ 2 से 3 बच्चों को हर कोर्स में हॉस्टल मिल रहा होगा इतने सारे बच्चों में। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। तो रूम आपको काफ़ी सही रूम होता है, अच्छा वेल फर्निश्ड, आपको टेबल चेयर बेड्स वगैरह सब कुछ मिल रहे होंगे। सेकेंड चीज़, एसी नहीं होती है रूम में। तो अगर आप सोच रहे हो कि हॉस्टल्स में एसी मिलेंगी तो नो, गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बट इट्स क्वाइट मैनेजेबल क्योंकि 60,000 आपकी पूरे साल की फ़ीस लग रही है, 30,000 आपके एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने की, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो इतना मैनेजेबल है अगर आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको वहाँ पे सेपरेट वॉशरूम नहीं मिलेगा, कॉमन वॉशरूम आपको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी फूड वगैरह क्वालिटी इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, एंड हाइजीन वगैरह भी मेंटेन रहती है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। प्लस रूम मतलब हॉस्टल और क्लासेस बहुत पास हो जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए, ज़्यादा ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस नहीं लगाना पड़ेगा। तो बाकी अगर मिलता है तो बहुत सही है, बस एसी के लिए अगर आप सोच रहे हो कि एसी होगा नहीं होगा तो मैंने क्लियर कर दिया। प्लस वन थिंग, नो कर्फ्यू गाइज, आप अगर सोच रहे हो क्या हॉस्टल्स में आपको 8 बजे लॉक कर दिया जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिरांडा हाउस के हॉस्टल्स में नो कर्फ्यू, आप किसी भी टाइम आओ किसी भी टाइम पर जाओ, कोई भी कर्फ्यू नहीं है किसी भी टाइम पर नहीं है। इवन आपको अगर पीजीज में देखोगे तो भी आपको 10 बजे तक का कर्फ्यू मिल जाता है किसी किसी पीजी में, तो बट हाँ मोस्टली आप पीजी में नहीं भी होता है, बट मिरांडा हाउस के हॉस्टल की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी कर्फ्यू नहीं है तो किसी भी टाइम आप आ सकते हो, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात है बट या ये ट्रू है। तो ये आपके लिए ये एक पॉइंट है, प्लस बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई दी। बाकी रूम्स वगैरह अच्छे हैं यार हॉस्टल्स, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पीजी का रेंट बहुत हाई होता है भाई और हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा है। अगर ये सब भी नहीं मिलता है तो एक यूजी एचजी गर्ल्स हॉस्टल है आपको मुखर्जी नगर में, तो उसके भी एप्लीकेशन आउट होंगे तो आप उसको भी फिल कर सकते हो, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, आप किसी भी कॉलेज के हो सारे अप्लाई कर सकते हो उसमें, तो यूजी एचजी गर्ल्स हॉस्टल में भी अप्लाई कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप